नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक आप कवर्स या सॉन्ग करना चाहते हैं, आप एक डांसर हैं या फिर एक आप कॉमेडी कॉम्पिलेशन या प्रैंक बनाना चाहते हैं और उसमें आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स को या फिर किसी भी ऐसे म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं जो कॉपीराइटेड है, जो आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है और आपके मोनेटाइजेशन को वो प्रभावित कर सकता है, यानी कि आपकी अर्निंग खत्म कर सकता है। तो मैं बात करूंगा और मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी सॉन्ग को यूज कर सकते हैं विथ परमिशन, बिना किसी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक के, और साथ ही आप मोनेटाइजेशन को भी ग्रीन कर पाएंगे और उससे भी अर्निंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें और साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर ले अभी, क्योंकि आगे से मैं ऐसे सारे पोल और सारे राज आपको आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि क्यों नहीं सही चीजें आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम सभी शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले दोस्तों आप अपने एज यूजुअल आप अपने चैनल पे आ जाएं, ठीक है। मैं क्रोम यूज करता हूं, आप कौन से आप ब्राउजर को यूज करते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ब्राउजर भी काफी मायने रखता है ना। तो ब्राउजर मैं क्रोम के आ गया हूँ, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे आ गया हूँ, माय चैनल पे, ये देखिए मेरा चैनल है। अगर प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब मारे अभी के अभी। अब करना क्या है, मान लीजिए कि आप एक गाना बनाते होंगे, आप सिंगर कवर सॉन्ग आप करते हैं, ठीक है। तो कवर सॉन्ग करते हैं तो भैया आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए कि भैया मेरे जो मैं कवर कर रहा हूँ उस पर कोई क्लेम ना आए, है ना। आप एक डांसर है, डांस करते होंगे तो आप चाहते होंगे भैया मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे या सॉन्ग पर अगर क्लेम ही आ जाएगा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्या मतलब फिर डालने का, है ना, क्या मतलब वर्क करने का। तो आपको ये भी चाह रहे होंगे। फिर अगर आप चाहते होंगे भाई मैं कुछ वीडियो यूज करता हूँ, एक आध दो गाने थोड़े 30 सेकंड तक के यूज करता हूँ या 15 सेकंड यूज करता हूँ, यार उसमें भी क्लेम आ जा रहा, स्ट्राइक आ जा रहा है, यार क्या बात है, कुछ तो भाई कह देते हैं, अरे यार तुम यूज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 सेकंड यूज कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लेम आएंगे, नहीं आए एकाक में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आएंगे, आप सिक्योर नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाएं, अपने आईडी में लॉगिन करें, डैशबोर्ड पे यहाँ पे जो आता है ना क्रिएटर स्टूडियो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद वो क्या करना है, सब आपको कुछ लोग आपको यहाँ पे भी लेके आएंगे, भैया क्रिएट में चलिए, ठीक है, क्रिएट में चलिए, ऐसा लोग बोले होंगे, ठीक है, और फिर वो भटका दिए होंगे। तो आपको वो नहीं करना है, भटकना नहीं है, है ना, भटकेंगे तो भटक जाएंगे। मैं क्रिएट पे ला रहा हूँ, लेकिन मैं क्रिएट के बाद कहाँ ला रहा हूँ वो भी आप देखिए। क्रिएट पे आप आ जाएं, क्रिएट के आने के बाद आप म्यूजिक पॉलिसीज में आए, कहाँ पे आना है, म्यूजिक पॉलिसी में आना है, ठीक है। म्यूजिक पॉलिसी में क्यों आना है, क्या भाई है म्यूजिक पॉलिसी में, तो यहाँ से मैं जो बताने वाला हूँ रिवेंज, वो खत्म होने वाला है और आपको आज वो पता चलने वाला है जो छोटी सी हिडन बात है जो हर बड़ा यूट्यूबर बनने के बाद छुपाता है और बताता नहीं है। जो सोचता है यार ये भी करने लगेगा तो मेरे बराबर आ जाएगा, ये भी करने लगेगा तो सोचता है कंपनी ये पॉलिसी ही बंद कर दे, तो ऐसा होता है ना। थोड़ा सा इंटरनेट लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी रीलोड मार रहा हूं मैं। तो ये म्यूजिक पॉलिसी जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए खुल गया है ना। म्यूजिक पॉलिसी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कई सारे आपको गाने मिल रहे होंगे, गाने म्यूजिक नहीं गाने मिल रहे हैं, क्या गाना, SONG सॉन्ग, जैसे गंगनम स्टाइल, करेक्ट, नाम तो सुना होगा है ना, और भी कई सारे गाने। चलिए मैं एक और गाना मैं और सर्च करता हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना, ठीक है, काफी ये दे देना चाहिए, गूगल बाबा है। तो ये मैंने सर्च किया, अभी ये सर्च हो रहा है, ठीक है, ये देखिए सर्च हो गया, तुझे देखा तो ये इंस्ट्रूमेंटल है ना। अब भैया ये क्या मैटर है, यहाँ पे मैंने सर्च किया, मुझे गाना मिल गया, यहाँ लिखा है म्यूजिक पॉलिसीज, तो भाई साहब और बहनों मैटर ये है यहाँ पे कि आपको YouTube प्लेटफॉर्म दिए हुए है कि आप कवर करना चाहते हो, सिंग करना चाहते हो, थोड़ा सा यूज करना चाहते हो, इतू सा यूज करना चाहते हो, तो कहाँ से और कैसे लोगे और कैसे आप करोगे। ये देखिए इस पे क्लिक किया मैंने तो क्या आया, इफ यू यूज दिस सॉन्ग, मतलब हिंदी में बताता हूँ, अगर आप इस सॉन्ग को यूज करते हैं तो क्या, तो प्लेबैक, आप कहीं भी इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस गाने को यूज करके डांस कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं और भी तमाम जो चाहे चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने वीडियो के पीछे लगा सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में, है ना। मोनेटाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा, यू कांट मोनेटाइज योर वीडियो, क्लियरली मेंशन, आप ये भविष्यवाणी में है या फिर ये आशंका में, यार इस बार नहीं, प्लीज मत पकड़ना भाई YouTube मेरे, इस बार छोड़ देना, वो लोग यूज किए हुए, ये लोग यूज किए हुए, उसका नहीं, उस पर ऐड आ रहा है मेरे पे भी भाई, तो ऐसा नहीं समझिए। कंटेंट आईडी, आईडी सब ने बताया होगा, वही बता दे रहा हूँ, कंटेंट आईडी का मैटर है, वो बकायदा बीट्स बाय बीट और ऑडियो वीडियो सब उधर डायगोनली एल्गोरिथम में फिट है, उसमें आप बचने वाले नहीं हो।
ठीक, द कॉपीराइट ऑनर ऑफ दिस सॉन्ग मे मोनेटाइज योर वीडियो काउजिंग एड्स टू अपियर, है ना, कह रहा है कि मे मोनेटाइज योर वीडियो, मे माना का अब में से का अब, चलिए इफ यू परफॉर्म ए कवर व्यूअल हर जगह रहेगा, ठीक है हर जगह व्यू होगा अगर, और जो मोनेटाइजेशन है वो एलिजिबल रहेगा रेवेन्यू शेयरिंग के लिए, समझ में आ गया। अगर आप इस सॉन्ग को सिर्फ यूज कर रहे हैं, सॉन्ग को सिर्फ अपलोड कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, मोनेटाइजेशन नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप किसी कवर को बना रहे हैं, है ना, मान लीजिए डांसर है, आपने डांस किया, मान लीजिए सिंगर है, सिंग किया, ठीक है, या मान लीजिए थोड़ा सा यूज किया, है ना, तो आ जाएगा उसमें कि आपने परफॉर्म किया कवर, तो आप इलिजिबल है रेवेन्यू शेयरिंग के लिए। रेवेन्यू शेयरिंग मतलब क्या होता है, मतलब कि 100 रुपया आएगा, 50 आपके जिसका जिसका गाना है तुझे देखा है गाना, और 50 आपका जो आपने किया, मतलब दोनों का मेहनत का पैसा दोनों जगह जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने यूज कर लिया, मेहनत पूरा मेरा, ऐसा नहीं है। जिस दिन गाना बनाया, लिखा, कंपोज किया, अपलोड किया, पॉपुलर हुआ, तब आपने यूज किया, तो मेहनत उसका भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, तो यहाँ पैसे बटेंगे, ठीक है, पैसा बटेगा, मतलब आप यहाँ से, अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, चलिए इस पर क्लिक कीजिए। यू मे बी एबल टू शेयर रेवेन्यू फ्रॉम योर यूट्यूब विद कॉपीराइट ऑनर ऑफ दिस सॉन्ग, है ना, कॉपीराइट ऑनर का जो है उसके आप ले सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। कॉपीराइट ऑनर्स कैन चेंज देयर पॉलिसीज और टेक ऑन योर वीडियो दैट डिफर्स फ्रॉम व्हाट डिस्क्राइब्स हियर। एक और मजेदार बात, मान लीजिए आज कंपनी के या फिर उस गाने के मालिक के दिमाग में है भैया दे दो सबको, प्रमोट होगा, अपना भी पॉपुलरिटी बढ़ेगा, लेकिन कल को अगर उसके दिमाग में यह आ गया है कि नहीं मुझे रेवेन्यू शेयर भी नहीं करना है, मैं कहीं नहीं चाहता हूं कोई यूज करे, वो पॉलिसी चेंज कर सकता है ना, वो चेंज जब कर लेगा तो फिर इफेक्टेड हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया करा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए ये मैंने टैब खोला, तो ये टैब खुल गया है, मोनेटाइजिंग एलिजिबल कवर वीडियोस, कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, यहाँ देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसको पढ़ने से बेहतर यह है कि आप जब कवर करते हैं तो जो जाता है कंटेंट आईडी का वहां पर नोटिफिकेशन कि आपका वीडियो, आपका ऑडियो यूज किया गया है, जिसका आप यूज करते हैं, तो वो एक बार पहले रिव्यू करता है ना, या फिर उसमें एक तो ये डायरेक्टली मान लीजिए चला गया, फिर एक होता है कि वो रिव्यू करता है, ठीक। पहले तो आपको तुरंत क्लेम आ जाएगा, सबसे पहले क्लेम आ जाएगा, ठीक। फिर मान लीजिए जिस कंपनी के पास गया उसके पास तो बहुत सारे काम होंगे, वो उसके और कई सारे डेली कितने जानवर पता नहीं यूज करते होंगे, वो सबको एक एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है। और उस रिव्यू में देखते हैं कि सामने वाले ने किस चीज में यूज किया, जैसे उन्हें लगता है कि ये कवर है, मतलब ये पॉपुलैरिटी हमारे लिए, कुछ गाना गाया, ये मेहनत किया है बंदा, काम किया है, तो उस केस में वो रेवेन्यू शेयर का वहां उनके पास ऑप्शन होता है, क्लिक कर देते हैं, ठीक है, क्लेम ना रहे, आधा आधा पैसा हो जाए, ठीक है। वहां ये भी ऑप्शन होता है भैया इसको पूरा पैसा मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रेवेन्यू शेयर नहीं चाहिए, पूरा ग्रीन डॉलर आपका हो जाएगा। जब पूरा ग्रीन डॉलर नहीं होगा तो समझिएगा भैया कि आधा आधा हुआ है, वो भी दिखा रहा हूँ कैसा रहता है, मैंने किया हुआ प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, वो भी दिखाऊंगा, उससे पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। ये हो गया, ऊपर चाह रहे हैं भैया कि कॉपीराइट क्लेम आ ही ना, तो एक और तरीका है, उसके थोड़ा सा पॉपुलर होंगे, थोड़ा आपको लोग जानेंगे, थोड़ा आप लोगों को जानेंगे तो होगा, और स्टार्ट में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अनिश्चितताओं का खेल है ना। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपको पता चल गया ये गाना आपको यूज करना है, ठीक है, पता चल गया सब कुछ, अब आप इस गाने को सर्च करें गूगल बाबा पे एग्जैक्टली, है ना, सर्च क्या करें कि गाना किसने बनाया है, इस गाने का राइट किसके पास है, ठीक है, इस गाने को किस कंपनी के द्वारा तमाम दुनियादारी चीजें की गई है। जैसे आप ये पता कर लेंगे, फिर उस गाने की कंपनी के ऑफिशियल साइट पर जाएं, वहां पे बिजनेस के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल होता है वहां से ईमेल आईडी उठाएं और उनसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट क्या करना है, उनको बताएं, या तो पहले वीडियो आप अपलोड कर लें, उस वीडियो का लिंक के थ्रू आप उनको बताएं कि मैंने ये अपना काम किया है, आपके गाने को यूज किया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आप उनके बारे में मेंशन जरूर कर दें कि मैंने यूज किया है ना, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें, और साथ ही फिर आप उनको वो चीज लिंक भेजें और बताएं कि प्लीज इस पर काइंडली, मतलब बताएं कि आई एम यूजिंग योर सॉन्ग फॉर आवर कवर और फॉर आवर डांसिंग वीडियोज एंड फॉर दिस और फॉर दिस दैट, सो काइंडली इनेबल मोनेटाइजेशन, काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट एंड ओपन, या फिर आप कमेंट मोनेटाइजेशन में क्लेम मत डालिए, या फिर कॉपीराइट क्लेम मत डालिए, और हो सके तो रेवेन्यू शेयर कर लीजिए, नहीं तो फिर और कुछ अगर आप चाहते हो तो आप बताएं, इफ दैट पॉसिबल देन आई विल डू फॉर यू, करेक्ट। इतना लिख के थैंक्स एंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड डाल के नीचे नाम, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आई डी भेज दे, बस भेज दे।
हालांकि उतना करता कोई नहीं है, आपको भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मैं बताया वो कोई भी गाना, जैसे कि चलिए और कोई गाना मैं सर्च करता हूँ, कौन सा करूँ अभी लेटेस्ट में कोई कर दूँ क्या? कौन सा करूँ कौन सा करूँ। तुझे देखा तो ये जाना समझा, बहुत जल्दी याद आ गया, आज मेरे यार की शादी है। ऐसा है कि अब जब आदमी कुछ खोजता है तो उसको पता ही नहीं था क्या खोजो। नहीं तो ऐसा है कि अब चलिए आज मेरे यार की शादी है, पर अपन लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आ गया। दो गाना है अपने पास, आज मेरे यार एक रिवाइवल और आज मेरे यार की शादी है, ठीक है, मोहम्मद रफी का, दोनों उसी उन्हीं का है, ठीक है। चलिए पहला खोलता हूँ, ये देखिए ये भी एलिजिबल है रेवेन्यू शेयरिंग के लिए। यहाँ पर आप ऐसे यूज करेंगे तो एलिजिबल नहीं है, हर जगह दिखा सकता है, ठीक है। आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे यार के साथ कई ऐसे गाने हैं जहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहेगा, भैया आप ऐसे यूज कर लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट है सीसी वाला, क्रिएटिव कॉमन है ना, उसमें भी आप कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे आइए थोड़ा सा, जब यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं ना, यहाँ पे जब सर्च करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ इसी चीज को, मैं यहाँ डालता हूँ आज मेरे यार की शादी है, ठीक, इसको मैं यहाँ डालता हूँ। एक और दिखा रहा हूँ, ये सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ हुआ, ऐसे ही यहाँ पे फिल्टर पे ऑप्शन आता है ना, फिल्टर पे जाइए, यहाँ पर आपको सीसी मिलेगा है ना, क्रिएटिव कॉमन, ये वाला सीसी नहीं, सब टाइटल वाला नहीं, फुल फॉर्म नहीं बोला, तो ये क्रिएटिव कॉमन्स मिलेगा। इस पर क्लिक करें और फिर सर्च करें तो देखिए ये सभी सीसी में डाले हुआ है ना, हालांकि ये जेन्यून नहीं है। जैसे कि 28 सेकंड का बंदे ने यूज किया, अगर इस पर ऐड आ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा ये 28 सेकंड आप यूज कर सकते हैं, ठीक, कहीं लिखा नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं, वो नहीं आएगा इसलिए वो बंदा डाला हुआ, ठीक है। जैसे भाई की शादी में बजने वाला सबसे सुपर हिट गाना आज मेरी जान की शादी है, इन्होंने लिया होगा और सीसी में करके डाला है। तो एक सीसी एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से आप यूज, हालांकि ये टेम्प्रोरी, इसको छोड़ दीजिए लेकिन कर सकते हैं यूज, आप उसको भी कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन भी काम लायक है। और दूसरा मेन जो फैक्चुअल और जो सभी और जिसको यूट्यूब ने मान्यता दी, वो ये है, म्यूजिक पॉलिसीज में आए, यहाँ सर्च करें, यहाँ से बातें पता करें, यहाँ पे देखें कि आप कर सकते हैं कि नहीं करते। जैसे कि आप कहेंगे भैया सब में लिखा है कि भैया आप तो ले सकते हो, क्या भाई आप तो ले सकते हो, रेवेन्यू शेयर कर सकते हो, किसी ऐसे में दिखाओ जिसमें लिखा ही नहीं हो, रेवेन्यू शेयर नहीं होगा, किसी ऐसे में दिखाओ आप डाल ही नहीं सकते हो, तो चलिए भैया वो भी देख लेते हैं। देखिए द नेक्स्ट एपिसोड एल्बम वर्जन एडिटेड गाना एक आया है ना, क्या लिख रहा है, दिस सॉन्ग इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज इन योर यूट्यूब वीडियोस, इफ यू यूज दिस सॉन्ग योर वीडियो मे बी ब्लॉक्ड और म्यूटेड। मतलब आप यूज तो कर लेंगे लेकिन आपके गाने को ब्लॉक कर दिया जाएगा वर्ल्ड वाइड, वो कहीं नहीं दिखेगा, या तो आपके गाने में जो बोल आप यूज करेंगे वो म्यूट हो जाएगा, साइलेंट ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो इस केस में भी आप उनको मेल करके उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, उनको बता सकते हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट को भेज सकते हैं, अपने आप वर्क को भेज सकते हैं, अगर वो परमिट करते हैं तो उनके पास भी ठीक ऐसा ही मेल आता है जैसे आपके पास आता है ना मेल, ये कॉपीराइट क्लेम का, तो उनके पास भी ऐसा ही जाता है। ऐसा जाने के बाद क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। वो उधर वो मेल आया आपके पास, मान लीजिए वो मेल जाएगा यूट्यूब का कि कॉपीराइट है, और एक मेल आपका जाएगा, दोनों को अगर लगा उसको तो करेगा, हालांकि कर ही देते हैं बड़े बड़े लोग। चलिए मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे यूज किया था, तो मैंने एक बार बस यूज किया है अपने, एक ऐसे ही 15 अगस्त को 26 जनवरी को लेकर मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था, उसमें मैं लेकर चलता हूँ आपको प्ले वीडियो मैनेजर में, और उसमें मैंने यूज किया था एक छोटे से गाने को। तो वहां पे पहले तो कॉपीराइट क्लेम आया है ना, ऑब्वियसली नॉट तुरंत तुरंत आ गया, तुरंत ठक ठक, कभी कभी लेट से भी आता है तो आ गया। फिर बाद में क्या हुआ, वो बाद में फिर जैसे कि वहां गया कंपनी के पास, कंपनी ने देखा कि भैया इसमें ये यूज तो किया लेकिन इसके साथ कुछ इशू, इन्होंने क्रिएटिव काम किए है ना, तो जब क्रिएटिव किया है बंदे ने तो फिर इसको दो ना पैसे देने, तो क्या दिक्कत है, हमारा ये पॉपुलरिटी हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है कि नहीं। देखिए सॉरी माफी चाहूंगा, कॉपीराइट नोटिस में आना है ना, और यहां पर आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू शेयर होता है उसमें क्या होता है, ये होता है, ये देखिए जो डॉलर है और इधर जो डॉलर है, दोनों में दिखाता हूं अंतर, ये थोड़ा सा कम हुआ है ना यहां से, और एक अच्छा दिखाता हूं डॉलर कितने प्रकार का होता है, वो भी मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए क्लियरली बताने के लिए। ये देखिए ये डॉलर मेरे पास है, ये है रेवेन्यू शेयरिंग का, ये है कि भैया कॉपीराइट क्लेम है, और ये है भैया कि येलो में चला गया ना, आपको ऐड नहीं मिलेगा, ये पूरा ऐड मिलेगा, ये है क्या है ये, हाँ ये है कि
दिस इज नॉट मोनेटाइज, मेक श्योर यू हैव कम्प्लीटेड 3 steps. अच्छा, ये है कि आप वीडियो अपलोड जब किए वहां पे मोनेटाइजेशन आपने खुद बंद कर दिया है ना, आपने क्लिक कर दिया कि कोई ऐड नहीं है, तो जो डॉलर है वो ग्रे हो जाएगा. ग्रीन मतलब पूरा एकदम झकाझक ऐड आएगा, येलो मतलब ना आएगा, और डॉलर कट गया मतलब कॉपीराइट क्लेम है, और ये हो गया मतलब आधा ग्रीन, तो मतलब आधा आधा पैसा मिलेगा. ठीक है, तो ये देखिए, तो मैंने इस पर किया हुआ, ये मैंने 1 मिनट 34 सेकंड का है, इसमें है क्या भैया, इसमें है क्या, मैंने एक थोड़ा सा विश करने के लिए आपको और जितने भी लोग हैं, स्पेशली आई लव इंडिया एंड आई फील प्राउड कि मैं इंडियन हूँ, है ना, तो उसके लिए मैंने एक बनाया था छोटा सा, तो उसमें मैंने यूज किया था, तो इसमें कॉपीराइट क्लेम आया. फिर कॉपीराइट क्लेम आने के बाद मैंने कमाने के लिए नहीं बनाया, तो फिर ऑटोमेटिकली इसमें वो आ गया था. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली भी आता है, आपको कभी कभी भेजना भी नहीं पड़ता है कुछ, आप काम अच्छा कर दीजिए. और एक चीज होता है, हाँ एक चीज और होता है, कभी कभी नीचे आप कितने को वीडियो में देखते होंगे कि जैसे कि किसका दिखाऊं, हाँ चलिए इन्हीं का दिखाता हूँ मैं, एक दो को मैं किए हुए हूँ अभी. चलिए इनका दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इनका एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको. हाँ चलिए इस वीडियो में चलते हैं ना, मैं पॉपुलरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम इन्होंने किया है और काफी अच्छा है, वर्क है इनका, तो मैं बस ऐसे देख रहा था तो मैंने देखा था. तो ये देखेंगे आप कि ऐसा आता है, उसके वीडियो में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट वर्क में है, जो हमको आपको सीखना है, एक यूट्यूबर को सीखना है. ये देखिए ये आता है ना, आप सोचते होंगे भाई ये कैसे मिल गया, है ना, इस वीडियो को यहाँ तक जो बंदा देख रहा होगा वो ज्यादा चीजें जान पा रहा होगा, क्योंकि मैं भी कहीं चीजें भूल जाता हूँ तो देखता हूँ तो फिर याद आता है अच्छा ये भी था, तो कहीं ऐसा ना है कि मैं ये सोचेगा छुपा रहा हूँ. ठीक है, तो ये आता है ना, ये कमेंट ज्यादा इसमें लग रहा है थोड़ा सा, तो ये देखिए दिख रहा है ना कि भैया इसमें म्यूजिक है, इसको ये लाइसेंस किया गया है, ये जी म्यूजिक की तरफ से इसको लाइसेंस किया इसकी तरफ से, तो ये कैसे होता है, आपको गाने परचेज भी करना होता है, कहाँ से करना पड़ता है, यहाँ लिखा है ना बाइट ऑन गूगल प्ले, है ना, आप जिसको अपने कवर में यूज कर रहे हैं 15-20 रुपए लगता है भाई, उस गाने को आप यहाँ गूगल प्ले म्यूजिक है ना, ये लाइब्रेरी है, ये आपको पता होगा, आपके मोबाइल में भी होगा, ये यहाँ पर आपको गाने सुनने के लिए मिलते हैं फ्री में, और दूसरा परचेज करने के लिए मिलता है, तो आपको तब भी परमिट मिलती है और ये रहता है तब भी, है ना, तो यहाँ से गाने परचेज कीजिए, फिर उस गाने को अपने कवर के रूप में यूज कीजिए, अपनी जगह पे यूज कीजिए, और एक छोटा सा मेल विथ लिंक आप भेज दीजिए, या पहले ही भेज दीजिए कि मैं इतना इतना आपका यूज करना चाह रहा हूँ. ठीक है, फिर उधर से देखिए क्या रिप्लाई आता है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ गाने खरीदने में 15-20 रुपए लगते हैं, जैसे मैंने एक गाना देखिए खरीदा हूँ, मात पिता को मत भुलाना, इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ एक कवर के रूप में, ऐसे ही थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप में, बस काम कर रहा हूँ उस पर, है ना, खरीद लिया मैंने इसको ताकि मैं इसको यूज करूंगा अभी, तो यह ले लिया मैंने. यह गाना सर्च के लीजिए, कोई भी गाना सर्च कीजिए, गाना सर्च कीजिए, जैसे मान लीजिए यही यहाँ सर्च किया हुआ है, ये पहले से कॉपी किया हुआ, क्यों मेहनत करने का. ठीक है, आ गया ये मेरे यार के साथ, ये नीचे वीडियो पूरा बताया हुआ, इतना वीडियो बना हुआ है वगैरह 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 बना हुआ है. ठीक है, आपको वीडियो तो लेना नहीं है, तो चलिए वीडियो नहीं लेना है हमको भाई, तो क्या लेना है हमको, हमको गाना लेना है ना. अच्छा गाना वो एग्जैक्टली नहीं आ पाया, ओके गाना नहीं आ पाया, क्यों नहीं आया, अच्छा आ गया, ये रहा गाना, आज मेरे यार की शादी है. यहाँ परचेज करने का अभी नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया. परचेज, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा भैया इसको तो पता ही नहीं है, है ना, वहां पे आता है, अभी देख रहा हूँ मैं क्या मैं मिसिंग कर रहा हूँ. ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके बहुत ही काम का होगा, ये तय मानिए आप, और YouTube को लेकर अगर सीरियसली काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को तो आप चिपक जाइए अब मेरे से, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस भी है और इस फील्ड का नॉलेज भी है, डीपली नॉलेज, काफी बाल मैंने उड़ाए हैं दिख रहा होगा, काफी बाल पकाए हैं YouTube. ठीक है, तो अभी मैं आपको, अच्छा चलिए आपको मैं जहां था वहीं से दिखाता हूँ, सॉरी इधर फिर से आ रहा हूँ, ये रहा, अब बाय इट ऑन गूगल प्ले पे क्लिक मार दिया अपन, करेक्ट,
है ना, ये भी ओपन हो रहा है। हाँ ये देखिए, ये सारे गाने हैं, करेक्ट, ये सारे गाने हैं। यहाँ बाय का ऑप्शन देखिए, दिखा ना, वो थ्री डॉट पे रहता है, अख लड़ जाए को खरीदना है, बाय पे क्लिक किया, टैन, सॉरी लेट हो गया थोड़ा सा, उधर भी ओपन हो रहा है, इधर भी ओपन हो रहा है, ठीक है। बाय नो पे क्लिक किया, अभी इसको बाय कैसे कर सकते हैं, बाय करने के लिए आपको मे बी अब शायद आपको आ जा रहा है वो डेबिट कार्ड, ऐसे क्रेडिट कार्ड से लेना पड़ता है, मैंने क्रेडिट कार्ड से यूज किया है तो थोड़ा सा, या तो अब ऐसे ले लेते हैं, नेट बैंकिंग भी ले लेता, पहले नहीं लेता था, पहले गूगल पे किया सिर्फ क्रेडिट कार्ड से लेते थे, और वो भी क्रेडिट कार्ड हम लोग ऐसे कोई देता नहीं है प्राइवेट बैंक के अलावा। 130 रुपए में देखिए दिखा रहा है पूरा गाना, 130 में एक गाना नहीं है, इतना इतना पूरा गाना, आपको एक गाना चाहिए, अख लड़ जाए जाबे, 18 रुपए का, ठीक है, बस ये चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, अख लड़ जाबे पे जाएगा, ये घूमेगा डिंग डिंग डिंग, फिर आपको पैसा मांगेगा। देखिए मैंने HDFC से किया था, HDFC आ गया, फिर उसके बाद अभी कह रहा है कि नॉट एलिजिबल, क्यों भाई, क्यों, मैंने ऐड नहीं किया है ना, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बैंक से नहीं ले रहा है, तो मैं ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा, मैंने ऐड किया था, हटा दिया, डर लगता है ना पैसे कट जाएंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथों। तो ऐड नेट बैंकिंग यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन लेता है कि नहीं लेता है कभी कभी। अभी मैंने एक और चीज परचेज किया था, तो नेट बैंकिंग से ले लिया था मैंने, क्या परचेज किया था मैंने, हाँ मैंने वीगो पे डायमंड परचेज किया था, तो ले लिया था, तो अभी यहाँ भी लगता है शायद मे भी ले ले, चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अगर लेता है तो फिर बात आपकी आसान हो जाएगी, हालांकि HDFC बैंक यहाँ पे है ही नहीं। ओके, तो आप यहाँ से परचेज कीजिए गाने को, गाने को परचेज करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये गाना आपका हो गया, फिर आपको कॉन्टेक्ट करना है, फिर आपको यूज करना है, और फिर आपका काम फिनिश। तो इतना लंबा प्रोसेस है गुरु, अगर आपको ये जल्दी कोई कोई नहीं बताया है, मैंने खूब सर्च मारा है, तोड़ डाला है, ढोर डाला है, ऊपर से नीचे लेके एकदम खूब फिल्टर कर करके मारा है, लेकिन नहीं किसी ने बताया, और तो कुछ नहीं छूट गया। कंटेंट आईडी बता ही दिया कि हर किसी का एक कंटेंट आईडी होता है, जो भी बड़े सॉन्ग जितने भी खास भी जो खुद क्रिएट करते हैं ना, इनोवेट करते हैं क्रिएटिव चीजें, उसका कंटेंट आईडी होता है, उसको मिला जाता है, आप भी ले सकते हो, है ना। मुझे भी देखिए ऑप्शन है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये सब आपको बाद में दिखेगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कंटेंट आईडी, यहाँ चैनल पे आ गया मैं, चैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि चैनल मेंबरशिप, सॉरी यहाँ कंटेंट आईडी अपील, लेट्स यू अपील रिजेक्टेड कंटेंट आईडी डिस्प्यूट्स, है ना, तो अपील कर सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारी बातें मैंने बता दिया है कि कैसे आप खुद ले सकते हो अपने लिए, क्या कोई भी गाने को अपने गाने वीडियो में यूज कर सकते हो। आगे भी बने रहिए, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाया कि कैसे ग्रो करेंगे, कैसे डबल कमाई करेंगे, और भी कई ऐसे चीज, अगर येलो डॉलर आ जा रहा है तो कैसे ठीक हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहिए, और आप भी अपने वीडियो को मोनेटाइज कीजिए, अभी इजाजत दीजिए, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप सब अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।